यही तो वो जगह है जहाँ पर कितनी सारी शूटिंग हुई है। अभी भी अगर हम पूरा घूमेंगे ना तो कोई ना कोई शूटिंग चल रही होगी। सड़क कितनी साफ़ है, और सेम ऐसा मुझे इंदौर मिलता है। इंदौर भी बिल्कुल क्लीन सिटी है, देखिए एक टुकड़ा नहीं। थैंक यू फॉर एवरीवन, जिन जिन लोगों ने इस सफाई को मेंटेन करके रखा है। अगर हम में से एक ने भी कागज़ का टुकड़ा यहाँ फेंका, फिर उसके बाद देखो कितने टुकड़े फेंके जाएंगे। तो ऐसे ही भोपाल को एकदम क्लीन सिटी बना के रखना है, और अगले साल से जो है नंबर वन का अवार्ड मिलना चाहिए हमारे भोपाल सिटी को। दिस इज साइकिल स्टैंड, चार्टर्ड बाइक आप यहाँ से ले सकते हो। अभी तो बदल गई है ये साइकिल, नहीं तो पहले, और हाँ देखो पहले उस तरीके की थी। देखो पहले ये ऐप डाउनलोड करो, ये स्कैन करके, उसके बाद कौन सा नंबर तुम ले रही हो, फिर ये नंबर डाल करके तुम्हें पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है वो हमको नहीं मालूम। मिनिमम 15 मिनट 20 रुपये, एवरी एडिशनल मिनट 1 रुपये। आजकल इलेक्ट्रिक का ज़माना है, या तो इलेक्ट्रिक साइकिल लीजिए या तो इलेक्ट्रिक बाइक लीजिए। रिक्शा भी इलेक्ट्रिक हो गया। सॉरी, जिन्होंने भी ये पेंटिंग बनाई है भाई उनको सैल्यूट है, और दिल से थैंक यू है कि आप लोगों ने अपने पेंटिंग को यहाँ पे शोकेस किया। गाइस हमारे सामने से भारत भवन निकल गया। ये है राजू टी स्टॉल। मुझे लगा कहीं पहाड़ वहाड़ पे होगा जो है पूरा भोपाल दिखाई देगा। वहाँ से समोसे है, इधर देखो चाय है, जलेबी है। लो दो पावती। मैंने नहीं लिया। यही है ना जी, दो चाय ग्लास में दीजिए। देखो बहुत हैवी है यार, बहुत हैवी है, मतलब पूरे दिन में एक ही चाय पी सकते हो आप। चाय एक ऐसा बेवरेज है कि बहुत लोग पीते हैं भारत में, न जाने कितने प्रतिशत लोग पीते हैं। और कई बार क्या होता है ना कि चाय फेमस नहीं होता है, उसका जगह इतना फेमस हो जाता है कि लोग जगह से चीज़ों को फेमस कर देते हैं। हर शहर का पानी पूरी अपना होता है भाई, लगाया भाई कितना अनहाइजेनिक पानी पूरी था वो, सब खुल्ला खुल्ला था। हमको यहाँ का बढ़िया पानी पूरी खाना है कि ताकि पानी पूरी का नाम बदनाम ना हो। ये क्या है, ये लाइट है ना, मतलब सारे ठेले वाले को आप लाइट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसका भाड़ा है रेंट पे जाएगा 30 रुपीज़। देखिए हम खड़े खड़े एक बिजनेस आइडिया मिल गया, मतलब ऐसे भाड़े पे लाइट दीजिए दुकान वालों को, 30 रुपये पर डे है मात्र। 30 ना। एक और पानी पूरी हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ग्वालियर है। हम भोपाल में होकर ग्वालियर का पानी पूरी क्यों खाएं भाई, असली पानी पूरी आलू में ही बनता है। हरा हरा पानी दिख रहा है एकदम। 30 रुपये की 10 रुपये प्लेट ना, सबसे सस्ता है। क्या गजब की वाइब्रेशन है। तो अभी हम भोपाल की गलियों में घुस गए हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा जगमगा रहा था। देखो ये इसीलिए घुसी है, ये घुस गई कपड़े की दुकान में। आज मैंने कहा आज तुमको पता चलेगा बीवी के साथ शॉपिंग करना क्या होता है। ये है क्या, ये कपड़ा है, इसके अंदर मिलता है नाश्ता, वो लेना पड़ता है। यहाँ मिलेगा पास में, 3 दुकान तो बना बनाया रहेगा ना। सही है। What's up guys? Good morning. Welcome back to this vlog. 7 बजे सब लोग निकल रहे हैं लोकेशन पे, एक गाड़ी जा चुकी है। देखिए मेरे पिछली बार जब शूटिंग पे आया था तो इधर ही हमारा होटल था, ये जगह हबीबगंज है। एक ब्लॉग है तकरीबन 1.5 साल पुराना, आप डालोगे कि लुक टेस्ट में फेल हो गया ऐसा करके डालोगे ना तो यहाँ का व्लॉग आपको दिखाई देगा। फिर यहीं से मैं डायरेक्ट गया था वाराणसी। कल हमने लुक टेस्ट कहीं और किया था और शूटिंग हम यहाँ करेंगे। उसके घर के पीछे आसपास कर रहे हो, 2-3 थप्पड़ यहाँ क्या करे भाई।
अच्छा करेक्टर में एक जगह लिखा हुआ है उसकी पत्नी बोलती है बहुत गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाला स्टार्ट। शायद दे दो, प्रेशर आ जाएगी तुरंत सुबह सुबह। तो आज का पहला सीन हमने कर दिया है, मतलब शुभारंभ हो चुका है, 8 बजे से ही शुभारंभ हो चुका है। तो पहला सीन हमारा हो गया है और अभी हम इधर बंगलों की तरफ शूट कर रहे हैं, घर घर का है। इसके बाद मेल्क स्टोर पे जाएंगे। तो कल जिस लोकेशन पे हमने लुक टेस्ट किया था वहाँ पर हम शूट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर दूसरी स्टोरी चल रही है। सुबह 8 बजे खा रहे हैं, सुबह सुबह की शिफ्ट में भोपाल का मशहूर पोहा। मैं जब भी फोन यहाँ शूट करता हूँ ना वेद भाई, यहाँ आप नाश्ते में चाहे जितनी वैरायटी देख लें पोहा जरूर, पोहा जरूर होगा। मतलब पोहा नहीं, ऐसा लगता है कि इन्होंने नाश्ता ही मिस कर दिया। और ये जो गाठिया जो आप खा रहे हैं ना, ये सेव, रतलामी सेव बोलते हैं, रतलामी सेव। ये भी मैंने देखा बहुत लोग सब्जी में डाल के खाते हैं। टमाटर सेव बहुत मशहूर है, इनहेंस जाता है। आइए दाद, अरे ये तो रात तक मुझे क्या दिख रही थी, अभी क्या बना दिया इनको। देखिए पूरी टीम किस तरीके से लगी हुई है, आज इनको 10 बजे से पहले पैकअप कर देना। ये है हमारी कंपनी का नाम ट्रू ड्रीम्स एंटरटेनमेंट। एक एक्टर और वेटर। ये मेरा चेंज है। हाँ, कितने नंबर? 42। देखिए कितने लोग लगे हुए हैं सजाने के लिए, बहुत रफ्तार से काम हो रहा है, बहुत 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 रफ्तार से, धड़ाधड़ धड़ाधड़। मेरे में तो अभी टाइम है ना, मेरे में टाइम है ना मेडिकल स्टोर जाने का। एक मिनट मैं झूठ बोलो नहीं, तुम्हारा स्टेटमेंट क्या था पहला? मैंने बोला कि शायद मैं वेद को जानती हूँ, बस इतना था, बस इतना ही। मैंने फिर देखा तो मैं, हाँ मैंने बोला शायद स्टोरी की है मेरे साथ, बात खाता इतना था बस। अब तो मेरी कथा का इतना था, आपकी कसम आपकी कसम काम की कसम इतना ही था। अब बोलो। तो अभी हम जा रहे हैं मेडिकल स्टोर, वहाँ पर एक यूनिट जा रही है, वहाँ पे सीन करेगी, उसके बाद फिर हम घर का सीन यहीं पर आगे करेंगे। ये कितना पीसफुल जगह है यार, यहाँ ये देखो अंदर अंदर है, कोई बाहर नहीं। अब थोड़ी देर के लिए दुकान हम संभालेंगे। यहीं बैठते हैं ना ओनर। इसी बीच में रियल कस्टमर भी आ रहे हैं, ये यासीन भाई हैं, तो उनको भी दवाइयाँ देनी है। ये दवा दिया, एक्शन पे ना सर ले जाओ उधर। सर भाई लंच ब्रेक हो गया, लंच ब्रेक डन। नाउ सी क्या है लंच में आज। क्या हुआ क्या? बहुत उछल के अपना एज बता रही थी, अब चुप हो गई। तो बस 8-9 घंटे की और शिफ्ट बाकी है। 8 घंटे बाद सबकी कहीं ना कहीं के लिए ट्रेन है, और हम भी ये वही पूछ रहे हैं कि कब है हमारी गाड़ी, कब है हमें कहाँ, हमें किसके घर आप भेजने वाले हैं? जौनपुर जाना था, बनारस जाएंगे। तो बनारस से कैसे ट्रेवल करेंगे? अगर दिन में पहुँचे तो फिर वहाँ से बस लेना पड़ेगा। अब काश 1 घंटे तक कोई ना बुलाने आए। आज एक करेक्टर और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये हमारी सासू अम्मा इसमें बनी है। आज भी इनको बहुओं के बीच में खड़ी कर दो तो फिर किसी से कम इनका जलवा नहीं है। देखिए जो है लेटे लेटे एक सब्सक्राइबर मिल गई हमको। हाय गाइस, तो ये तो चले गए हैं शूट पे, इनको सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना था और मुझे तो नींद आती थी, मैं सो लिया। और शूटिंग में इतना बोर होता है कि कल लुक टेस्ट में चली गई थी मैं, उतने देर रहा नहीं जा रहा था, और वो वहाँ पे अपना शूट कर ही रहे होंगे। मैंने कहा मैं भी अपना थोड़ा सा, ये हमेशा बोलते रहते हैं तुम अपना पार्ट भी दिखा दिया करो। अभी मैं जा रही हूँ अपना कपड़ा चेंज करने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो मेरे पास एक सेम सूट
था, मतलब मेरे पास वो कपड़ा था और मैं सेम वैसा ही कपड़ा उठा लाई, एकदम सेम टू सेम नहीं बोल सकती बट कलर डिज़ाइन का पैटर्न सूट ऐसा सेम था और मैं कल सेम वैसा उठा के लाई, तो एक जैसे अगर वो कपड़े मैं दो बार भी मतलब लगेगा एक ही कपड़ा मैंने दो बार पहना है। मैं अकेले ही जाती हूँ चेंज कर लेती हूँ, सिवाने थोड़ा सा बिना कोई डिस्टर्बेंस घूमूंगी, कोई ऐसा नहीं बोलेगा नहीं नहीं जल्दी चलो। तो गाइस अभी मैं निकल चुकी हूँ और ऑटो ढूंढ रही हूँ, ऑटो नहीं मिल रही है, गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो यही रहा वो मंदिर जो कल हमने रात को देखी थी, इतनी थोड़ी से दूर आने का ऑटो वाले अंकल ने 70 रुपये लिया, 5 मिनट भी नहीं लगा मुश्किल से। चलो तो फिर हम मार्केट में एंट्री कर ले लेते हैं और फटाफट अपनी दुकान को ढूंढते हैं, वो रहा जहाँ पे वाइट कुर्ती टंगी हुई है। शॉपिंग हो गया, मुझे कुछ खास दिखा नहीं, बस मैंने वो दर्शन किया और अपने कपड़े चेंज किए, तो मैं आ चुकी हूँ फाइनली होटल, तो चलते हैं प्राइवेट रूम में और एक चाय मंगाते हैं। तो अभी मैं सोच रही थी मेरे पास टाइम है, मैं जल्दी आ गई हूँ, मेरे पास कुछ खास काम है नहीं और इनको आने में भी टाइम है, तो आके थके रहेंगे, फिर वीडियो एडिट करने में भी टाइम जाता है और आप लोग को डेली ब्लॉग मिले ऐसा आप लोग का डिमांड भी रहता है, आप लोग का प्यार रहता है कि आप लोग को डेली ब्लॉग देखना पसंद है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कि इनका ब्लॉग थोड़ा बहुत एडिट करके रखूँ, बाकी आप आके बाद में फिनिशिंग कर लेंगे, अच्छे से एडिट कर लेंगे तो एटलीस्ट थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत वही कर लेती हूँ। तो अभी मैंने इनका लैपटॉप ले लिया है, तो गाइस अभी मैं प्रीमियर प्रो ऑन कर लेती हूँ, न्यू प्रोजेक्ट, और अब मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने, जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं वो कर लेती हूँ, और एक पहले आई हूँ और एक चाय ऑर्डर कर लूँ, चाय के बिना काम नहीं होने वाला। एक चाय भिजवा देना, बस यही लाइफ चाहिए, मतलब चाय चाहिए एक कॉल करो, चाय हाजिर हो, चाय हाजिर। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्लाइमैक्स सीन, क्लाइमैक्स सीन, क्योंकि क्लाइमैक्स में जो टाइम होता है वो निकल गया ना, तो फिर बाकी छोटे छोटे बेडरूम के जो सीन्स है वो सब फटाक से निकल जाएंगे। मैंने क्या बोला था तुझे, हाँ कि अपनी माँ को सुला देना, लेकिन तूने ऐसा किया नहीं। तो फाइनली हमारा पैकअप हो गया, हम पहुंच गए हैं होटल, और अब कल का क्या प्लान है वो कल ही मालूम पड़ेगा, कल शूट है नहीं, कल घूमने निकल सकते हैं। आज फिर भी पूरा दिन होटल में ही रही। देखो उधर से मोबाइल।